कभी जेल से इंटरव्यू देता है और कभी जेल में ही बैठकर फिरौती का खेल खेलता है। नाम तो आप जान ही गए होंगे, लॉरेंस बिश्नोई। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद कहानी पूरी सुनें। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए कहा है कि मुझे गैंगस्टर या आतंकवादी ना कहा जाए। अब तक कितने भी मामले हुए हो, उसमें मैं किसी में दोषी नहीं पाया गया। इस प्रकार कोई भी सरकारी कागज व पुलिस के कागज में मुझे गैंगस्टर या आतंकवादी ना बताया जाए। और दूसरी बात ये कही है कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो वीडियो डालते हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस फलाना सोपू, उससे लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी आपत्ति जताई है कि गैंगस्टर ना लिखें मेरे पीछे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर अनेकों कांड करवाए, लेकिन अब तक उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और उसको पेशे के दौरान भगत सिंह की टी शर्ट ना पहनने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई की मांग थी कि पेशे के दौरान मैं भगत सिंह की टी शर्ट पहन के पेशे पर जाऊं, लेकिन पुलिस वालों ने इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। इस पर क्या कहना, इस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो न पुलिस काम की है, न ही कोई गैंगस्टर, कोई किसी काम नहीं आता, सब अपने अपने सिस्टम में लगे हुए हैं। गैंगस्टर को अपनी पड़ी है, पुलिस वालों को अपनी पड़ी है, लेकिन हद तक तो पुलिस वालों का ही रोल पाया गया है गैंगस्टर बनाने में किसी नौजवान युवाओं को। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि अगर मेरे साथ मेरे देश का कानून न्याय करता है तो मैं देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, वह मेरे साथ एक अपराधी वाला व्यवहार ना किया जाए। वह अनेकों प्रकार की याचिकाएं दर्ज की हैं लॉरेंस बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए। लॉरेंस बिश्नोई जो कि अनेकों मामलों में वांछित है, एक वीडियो वायरल हुई थी मोनू मानेसर और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसमें मोनू मानेसर ने कहा था कि कुछ दिन बाद वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करेगा, वह उसकी पार्टी ज्वाइन करेगा। अब दोनों लॉरेंस बिश्नोई व मोनू मानेसर जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मोनू मानेसर का जो गौरक्षक दल था उसका भंडा फूट गया। वह लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था और आगे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। ये वीडियो आप देख सकते हो।